और डी एफ समांतर है ओ आर के, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों हमारा एक चित्र दे रखा है, यहाँ पर Q पॉइंट है Q R और यहाँ पर पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है O, इस तरीके से इन्हें मिलाया गया है। O से R को भी मिलाया गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी जो ओ क्यू है इसके समांतर डी ई एक रेखा खींची गई है। ठीक है, इस तरीके से इसके समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम दिया गया है डी ई। ठीक है, अगले क्या कह रहे हैं कि डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, ये जो ओ आर है इसके समांतर है डी एफ। ठीक है, यानी यहां पर भी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, ओ क्यू के समांतर डी ई है, ये हमारी पहली रेखा समांतर हो जाएंगी, और ये दोनों समांतर हैं जिसे हमने दो से इंकित कर दिया। अब देखते हैं बच्चों, हमें सिद्ध करना है, कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी ई एफ हमारा ये है ई एफ। ठीक है, यानी ई से एफ को मिला देंगे तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो बच्चों ई एफ समांतर क्यू आर के कब होगा? ई एफ और क्यू आर समांतर तब होंगे जब ये कंडीशन हमें प्राप्त हो, यानी क्यू पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर हमें प्राप्त होती है तभी ये दोनों समांतर होंगे। ठीक है, तभी ये दोनों भुजाएं क्या कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, इसकी उपपत्ति देखते हैं। ठीक है, उपपत्ति में बच्चों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि OQ समांतर है ED के। ठीक है, ओ क्यू समांतर है ई डी के। तो बच्चों त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक है, ये बच्चों हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ओ क्यू पी में। ओ क्यू पी में जब बच्चों ये इसके समांतर होगा तो बच्चों हो जाएगा हमारा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब बच्चों क्या दे रखा है कि जो हमारा डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, यानी ओ आर समांतर है डी एफ के, ये भी बच्चों दिया है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ओ आर पी में। ठीक है, जब बच्चों इस कंडीशन में ये जब इस त्रिभुज में जब ये कंडीशन आ रही है तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर होगा पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। अब बच्चों हम दोनों इक्वेशन से देखते हैं व दो से। ठीक है,
देखते हैं बच्चों, पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू, और पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। बच्चों हमने बताया था यदि ये कंडीशन यदि हमें प्राप्त होती है तो ई एफ किसके समांतर होगा, क्यू आर के, इसीलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। कौन सी प्रमेय से, प्रमेय नंबर 6.2 से, ठीक है। यदि भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो जो तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो वो समांतर होती है, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें बच्चों लिखा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए वी समान